Honorable Chairman, Honorable Chair, आज का दिन मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक दिन है। अगर आज ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे, क्या आनंद जी क्या हुआ? तो आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे तो नरेंद्र मोदी जी अरुण जेटली जी की पीठ थपथपाते थे, और अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी होते थे तो कांग्रेस का भी आभार व्यक्त करते थे, सभी इधर के लोगों का भी आभार व्यक्त करते थे कि बहुत दिनों के बाद आपने अच्छा काम किया। मतलब ये जो बिल है, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि देश की गरीबी नहीं हटी, देश की गरीबी नहीं हटी, इसलिए अरुण जेटली जी ने लाई है जीएसटी। जीएसटी कानून जब हो जाएगा अपना, जीएसटी कानून जब हो जाएगा अपना, तब बाबा साहब अंबेडकर जी का पूरा हो जाएगा सपना। इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा, तब जाग गया था देश सारा। इंदिरा गांधी जी ने जब दे दिया था गरीबी हटाओ का नारा, तब जा गया था भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं गरीबों का चमकता तारा, नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं गरीबों का चमकता तारा, और इसलिए उन्होंने बजाए हैं आप लोगों के बारा। तो सर ये जो जीएसटी का जो बिल है, मतलब अपने देश के गरीब लोगों को न्याय देने के लिए, अगर सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा तो गरीबों का भला कैसा करेगी? और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को टैक्सेस के माध्यम से पैसा मिलेगा तो ही खर्चा होगा, खर्चा नहीं होगा तो पर्चा कैसा निकलेगा? तो सरकार के पास पैसा आना चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सर, ये आज का बिल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत दिनों के बाद चर्चा चलती रही। लोकतंत्र में आपको विरोध करने का अधिकार है, अगर आपको लगता है कि ये बिल ठीक नहीं है तो बिल तो आपने ठीक है ऐसा माना है, लेकिन अगर उसमें कोई कमियां है तो उसमें अमेंडमेंट लाई। और अभी ये जीएसटी बिल है, दूसरा जीएसटी बिल आएगा, अगर इस बिल में कोई अगर सुधार आपको करना है तो अपने को अधिकार है, पार्लियामेंट को अधिकार है, और इसीलिए मतलब जो ये बिल का सपोर्ट करने के लिए मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, मैं मंत्री भी हूँ, लेकिन अमेरिका में भी रिपब्लिकन पार्टी है, और मैं अभी मुझे वहां से यूएन से निमंत्रण भी आया है यूनाइटेड नेशन का, बाबा साहब की जयंती का, मैं 12 तारीख को यहाँ से जा रहा हूँ अमरीका में, और मैं वहां डोनाल्ड ट्रंप को मिलने वाला हूँ, रिपब्लिकन पार्टी का इंडिया का प्रेसिडेंट अमेरिका के प्रेसिडेंट। ओके मैंने ब्लू हाउस का लीडर व्हाइट हाउस को जाकर मिलेगा। ओके जी, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन सर, मतलब ये बिल अच्छा है, इसीलिए मतलब बहुत अच्छी बात है कि लोकतंत्र का अर्थ ऐसा होता है कि विरोध करो, जितना करना है उतना विरोध करो, लेकिन जब बिल पास होना है तब आपने सपोर्ट करना चाहिए। अब ये लोग भी जब उधर थे तब आपका सपोर्ट करते थे, अब आप लोग उधर है हमारा सपोर्ट करते रहो, 10-15 साल तक कोई चिंता नहीं हमको अभी।
आपको भी चिंता नहीं, आप तो उधर ही रहेंगे, हम इधर ही रहेंगे। और इसीलिए ओके अभी नहीं, ठीक है, हो गया, मतलब अभी ओके हो गया, बस बहुत बुरा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी का रथ आगे आगे चला। भारत सरकार के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी शिखर वार्ता से पहले ये मिलेंगे, इनको बताने दीजिए, समय दीजिए इनको। मिलेंगे He's recommending for you. अरे अभी बंद करो। ओके हो गया। नरेंद्र मोदी जी का रथ आगे आगे चला। नरेंद्र मोदी जी का रथ आगे आगे चला, इसलिए जीएसटी से हो जाएगा देश का भला। ओके ठीक है। नरेंद्र मोदी जी में है गरीबों को आर्थिक न्याय देने की कला। नरेंद्र मोदी जी में है गरीबों को आर्थिक न्याय देने की कला, इसलिए उनकी सभा में जमा हो जाता है लाखों का मेला। ओके अभी बैठिए। इसलिए मतलब अभी बैठिए। इसीलिए मतलब ये बिल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अरुण जेटली जी ने, मैं सभी राज्यों का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी अर्थ मंत्रियों का, और ये सभी अर्थ मंत्रियों का और मुख्यमंत्रियों को कन्विंस करना बहुत बड़ा मुश्किल था। उनको ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन आपको ज्यादा मुश्किल था वो कन्विंस करना, लेकिन आप कन्विंस हो गए है, तो अच्छी बात है कि एक अच्छा बिल, देश की प्रगति का बिल, देश का डेवलपमेंट करने का बिल, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का बिल आया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।